हेलो डिफेंस ट्रेवल्स, आप सभी का स्वागत है डिफेंस ज्ञान डॉट कॉम पर। और आज हम बात करेंगे द थिंग्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वी नीड टू प्रिपेयर जस्ट गोइंग बिफोर SSB। SSB जाने से पहले तैयारी क्या करके जानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान तो ये रखो कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हों। क्या जितने भी एडमिट कार्ड में लिखे हैं, यू विल गेट एडमिट। देखो किसी भी चीज़ की ना हमने पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले आप क्या करते हो, आप देखते हो कि भाई हाँ ट्रेन रिजर्वेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ट्रेन रिजर्वेशन भले वो 2-3 महीने बाद का ही क्यों ना हो, बट आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हाँ आपको ट्रेन रिजर्वेशन करवाना। जैसे मेरा भी फोर्थ कमिंग SSB है मेरी दिसंबर में, मैंने जिस दिन डेट सिलेक्ट की थी मैंने उसी दिन अपना रेलवे का टिकट बुक कर लिया था। फर्स्ट चीज़ मैंने वो की। उसके बाद प्रिपेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, प्रिपेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स। इफ़ यू आर गोइंग फॉर योर एनी शॉर्ट ऑफ एंट्री, FCAT एंट्री, CDSE एंट्री, NDA एंट्री और एनी ऑफ योर टेक्निकल एंट्रीज, अपना एडमिट कार्ड लेके जरूर जाइए जो आपका एडमिट कार्ड है। और जिसमें भी रिटर्न एग्जाम जैसे FCAT बेस्ड होता है उसमें जो आपके रिटर्न एग्जाम में आप एडमिट कार्ड लेके गए होते हैं इसमें स्टैंप लगी होती है वो ले जाना काफ़ी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ साथ में, इफ़ यू आर गोइंग फॉर ग्रेजुएट एंट्री आपने अपने सारे सेमेस्टर के रिजल्ट लेके जाने पड़ेंगे वहाँ पे। और जितनी भी सारी चीज़ें आपकी कहाँ पे लिखी हुई एडमिट कार्ड में वो सारा ले जाना ज़रूरी है। दीज ऑल आर द प्लानिंग फॉर द SSB। इसके बाद आप देखेंगे डिस्टेंस मेजरमेंट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे एकोमोडेशन लेके जाएंगे। एकोमोडेशन बोला जाए तो सारा वैसे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ पे, यानी कि चादर वगैरह कुछ नहीं ले जानी है आपने, आपने बस एक चीज़ अच्छे से करनी है। हाँ आप बेडशीट ले जाएंगे वहाँ पे, पिलो कवर्स ले जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, बट वहाँ पे आपको मिलेंगे। बट आपने घर से कपड़े तो अपने लिए खुद ही लेके जाने पड़ेंगे ना, क्लोदिंग्स आपने ले जानी पड़ेंगी। एज फॉर फॉर्मल एंड GTO सेशन के लिए शॉर्ट्स, वाइट शॉर्ट्स विथ वाइट टी शर्ट, सेम लाइक दिस ऐसे भी होगी तो चलेगी, वाइट टी शर्ट, वाइट सॉक्स ले लो, प्लस शूज़ हो गए आपके, ये सारी चीज़ ध्यान में रखनी। क्या बोला मैंने, वाइट शूज़, सॉक्स होने चाहिए आपके, वाइट टी शर्ट्स और वाइट शॉर्ट्स, ठीक। फॉर्मल्स में आप 2 पैंट रख लो प्लस 2 शर्ट्स रख लो लाइट कलर के एकदम, प्लस एक टाई रख लो कोई दिक्कत नहीं, साथ में शूज़, फॉर्मल शूज़, अगर चाहो तो 2 भी ले जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं उसमें। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए वहाँ पे अंदर कैसे परफॉर्मेंस होना है, तो वहाँ पे कपड़े ठीक हिसाब से लेके जाइए। ज़्यादातर तो आप फॉर्मल और चेस्ट नंबर्स में रहेंगे, अदरवाइज आप दूसरे कपड़ों में भी रहेंगे तो आपको ज़्यादातर चेस्ट नंबर ही यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये तो था आपका वहाँ वो वर्बली के लिए, उससे पहले आपने प्रिपेयर कैसे करना है, वट यू नीड टू, क्या लास्ट टाइम पे लास्ट मोमेंट में क्या क्या करना है। रीसेंट करेंट अफेयर्स, रीसेंट एकदम रीसेंट अफेयर्स, वो पढ़ना है लास्ट मंथ के, जो जो भी इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल हुआ है, नेशनल हुआ है, कोई भी टॉपिक, इंटरनेशनल हो गया, नेशनल हो गया, या फिर आपका स्पोर्ट्स का ही क्यों नहीं हो गया, उसके बारे में मैं पढ़ो कुछ बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट आपका आता है अपने PIQ को, अपना जो PIQ भरते हो आप वो तो वहाँ जाके दूसरे दिन भरोगे, बट यहीं से PIQ को पढ़ना सीखो। अब वो PIQ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो देखो। स्टार्ट टू प्रिपेयर लाइक स्टोरीज बनाओ, थोड़ा ज़्यादा स्टोरी तो आपने पहले से बनाई होंगी, स्टोरी को समराइज करना स्टार्ट करो, छोटे छोटे करना स्टार्ट करो, प्रेसी राइटिंग करना स्टार्ट करो। वैट जो आपके हैं अच्छे वैट बनाओ अपने लेवल के अकॉर्डिंग, प्लस लेवल के अकॉर्डिंग, यानी अबव एवरेज लगना चाहिए, अबव एवरेज। SRT जितने ज़्यादा आंसर देने की सोचो और इन अ पॉजिटिव वे, लगभग 45 से 60 के बीच में दो। बाकी SD की इतनी बढ़िया तरीके से तैयारी कर लो कि छूटना ही नहीं चाहिए SD। साइक पे फोकस, बाकी GTO तो ऐसा है कि आपने वर्बली असेस करना है उसको, उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं वर्बली, मतलब देख देख के प्रैक्टिकली करना पड़ेगा आपने काफ़ी। GD लेक्चरेट
और जीपी, ये तीन पेनिंग है जिसमें काफ़ी आपने बोलना पड़ेगा, बाकी और ज़्यादा कुछ में आपने ज़्यादा बोलना नहीं है, बस आपने करके भी दिखाना, प्रैक्टिस करके दिखाना है आपने, ये सारी चीज़ आपने ध्यान पे रखनी है। तो दीज वर ऑल द थिंग्स यू नीड टू डू बिफोर SSP। 5 PAQ, 6 आपने स्टोरी लाइन समराइज कर रहे, 7 वेट, 8 SRT हो गया, 9 आपका SD है, उसके बाद 10th आपका GTO आता है, उसके बाद 11th में आपका आता है IO। बी प्रिपेयर्ड फॉर द IO, और IO में कैसे बिहेव करना है, क्या चीज़ वहाँ पे करनी है, डूज एंड डोंट डू, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, आप जाके उसको देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो उसको लाइक करो, शेयर करो, हर उस बंदे तक पहुँचाओ जिसके भी फोर्थ कमिंग SSB हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।